हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके एंड स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज स्टार्ट कराना था, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस लिक्विड्स, टेस्ट कर रहे हैं कंडक्टिविटी बहुत सारे लिक्विड्स की, ठीक है। सो मटेरियल वेरियस लिक्विड्स एज मेंशन्ड इन द टेबुलर कॉलम, ठीक है। जैसे टैप वाटर लेना है, डिजिटल वाटर लेना है, लाइम जूस लेना है, एरिएटेड ड्रिंक लेनी है, मिल्क, विनेगर, कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये सारे आपको लिक्विड्स लेने हैं। सो मेथड क्या है, कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ अ बैटरी एंड अ बल्ब एज शोन इन फिगर, इस टाइप से, ठीक है। ऑब्जर्व वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट, यहां ऑब्जर्व करेंगे बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ द बल्ब ग्लो इट शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लिक्विड एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड, ठीक है। देखिए, एक वायर ला के मैंने इस वाटर में डिप करा दिया और दूसरा इसको, ये कनेक्ट नहीं है, फिर दूसरे वायर को इसी वाटर में डिप करा के मैंने इधर बल्ब से देखिए इसको जोड़ा है, ठीक है, ज्वाइन करा दिया, ठीक है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द अदर लिक्विड्स एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। डू यू नो व्हाई वी गेट अ शॉक, ठीक है, हमको शॉक क्यों लगता है। व्हेन वी टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड, जब हम गीले हाथ से छू लेते हैं। वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, ये वाटर की सॉल्टनेस पर डिपेंड करता है कि उस पर किस क्वांटिटी में सॉल्ट डिजॉल्व है या नहीं है, ठीक है। टैप वाटर एंड पॉन्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन दैम, जो पॉन्ड वाटर होता है और टैप वाटर होता है, ठीक है, वो वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में। एज देयर आर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन दैम, क्योंकि उस पर सॉल्ट डिजॉल्व्ड होता है। डिजिटल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, जो डिजिटल वाटर होता है वो सॉल्ट को कंटेन नहीं करता है, एंड हैंस डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दस डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर इज कंसीडर्ड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टैप वाटर गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वाइल डिजिटल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डिजिटल वाटर बैड कंडक्टर होगा क्योंकि टैप वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व्ड है और डिजिटल वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व्ड नहीं है। What are the other substances which conduct electricity? Let us perform an activity to find out. एक activity और है यहाँ पर इसी के आगे। To test the solutions for conducting of electricity. कैसे किसी solutions के test को पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही experiment है। Clean plastic और rubber caps of bottle, ठीक है। Clean plastic और रबर कैप्स ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉकिंग सोडा और पोटेशियम आयोडाइड सुगर। सो मेथड क्या करना है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स, 3 कैप्स को लेना है। पूर अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम, सभी में 2-2 चम्मच, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को डालना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप, ठीक है। एक कैप में क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, ठीक है, या तो लेमन जूस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप, एक कैप में डालेंगे। नाउ इन द सेकेंड कैप एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सच एज कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। दूसरे कैप में क्या करेंगे, कुछ बेस को डालेंगे, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, पोटेशियम,
आयोडाइड हो गया, ठीक है। ऐड अ लिटिल शुगर, छोटी सी लिटिल शुगर को भी इसमें रखेंगे टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट, ठीक है। सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। टेस्ट द सॉल्यूशंस ऑफ फॉर कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशंस के टेस्ट को पता करेंगे। व्हाट रिजल्ट डू ऑब्टेन, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिडिक एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोस डिकम्पोजिशंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सो आगे का जो इसका टॉपिक है वो बेटा कल डिस्कस करेंगे, ओके। सो बाय, टेक केयर, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और क्लास लेते रहें बेटा। बड़ा एट्थ क्लास का तो बहुत ज़्यादा मुझे चिंता होने लगी है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।